क्रिस्टोफर नोलन अवेटेड मूवी ओपनहाइमर का ट्रेलर रिलीज हुआ और ये मूवी बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये मूवी ट्रू स्टोरी पे बेस है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। ये मूवी रॉबर्ट जे ओपनहाइमर पे बनी है और रॉबर्ट को फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब से जाना जाता है। रॉबर्ट लॉस अलामोस प्रयोगशाला के हेड थे। ओपनहाइमर को एटॉमिक बॉम्ब क्रिएट करने के लिए बहुत रिग्रेट हुआ था और उन्होंने कहा था दुनिया फिर कभी पहले जैसे नहीं रहेगी। उन्होंने उस पर भगवत गीता का एक श्लोक कहा था, नाउ आई हैव बिकम डेथ, मतलब अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, दुनिया को नष्ट करने वाला। जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक किया था तब ओपनहाइमर ने बॉम्ब के आगे के विकास यानी डेवलपमेंट के लिए विरोध किया और लॉस ओलंपस प्रयोगशाला से रिजाइन कर दिया और उसे छोड़ दिया। ओपनहाइमर नोबेल प्राइज के लिए चुने गए थे। रॉबर्ट ओपनहाइमर CIA के अंडर सर्विलेंस में थे और इसी वजह से उनकी रोमांटिक लाइफ पब्लिक को पता चल जाती थी। वो बहुत बड़े कैसोनो में थे और उनके कई सारे अफेयर्स रहे। ओपनहाइमर एक जीनियस थे, उन्होंने हार्वर्ड से केमिस्ट्री पढ़ी और वो डिस्टिंक्शन के साथ हार्वर्ड से ग्रेजुएट हुए। लेकिन उन्हें फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट करने में ज्यादा मजा आता था और उन्होंने संस्कृत भाषा भी पूरी तरह से सीख ली थी। वो सबसे यंगेस्ट मेंबर थे न्यूयॉर्क मिनरोलॉजिकल सोसाइटी के। वो बहुत सिगरेट पीते थे और इसी वजह से उनकी मौत गले के कैंसर की वजह से हुई। रॉबर्ट ओपनहाइमर से इंस्पायर होकर हॉलीवुड ने बहुत सारी फिल्में निकाली, द बिगिनिंग ऑफ द एंड, फैट मैन और लिटिल बॉय। बीबीसी 1980 ओपनहाइमर टीवी सीरीज क्रिटिकली बहुत सक्सेसफुल हुई। अब क्रिस्टोफर नोलन ने भी उन पर फिल्म बना ली है और वो जल्दी रिलीज होगी।